सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। गुजरात में भाजपा लगातार सातवीं बार सरकार बनाने जा रही है। भूपेंद्र पटेल समेत 20 विधायक 12 दिसंबर को शपथ लेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। भाजपा ने गुजरात में रिकॉर्ड 156 सीटों पर जीत दर्ज की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भाजपा के गुजरात में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पार्टी में खुशी का माहौल बना हुआ है। बीजेपी लगातार यहां सातवीं बार सरकार बनाने जा रही है। पार्टी नेता भूपेंद्र पटेल 20 अन्य विधायकों के साथ 12 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। दरअसल गुजरात में बीजेपी की जीत के बाद भूपेंद्र पटेल ने नई सरकार के गठन से पहले राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल के साथ लगभग 20 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे और अगले ही दिन अपने अपने कार्यालयों का कार्यभार संभालेंगे। गौरतलब है कि भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 156 सीटों पर जीत दर्ज की है। प्रचंड बहुमत से जीत कर अपनी सत्ता को बरकरार रखा है, जो 1960 में राज्य के गठन के बाद यहां किसी भी पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की सबसे बड़ी संख्या है। कांग्रेस ने इस विधानसभा चुनाव में 17 सीटें हासिल की, आप ने 5, सपा ने 1 सीट जीती और 3 निर्दलीय भी जीते, जो कि 156 बीजेपी उम्मीदवारों के साथ नवगठित गुजरात विधानसभा में होंगे। तो वही भूपेंद्र पटेल ने भी विधानसभा चुनाव में इतिहास रच दिया। उन्होंने घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1,92,000 मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। बता दें कि इस निर्वाचन क्षेत्र से गुजरात को 2 मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और भूपेंद्र पटेल मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने कांग्रेस का घर घेरा कि महुधा और थसरा आनंद का बोरसाद और व्यारा सीट पर जीत हासिल की। आजादी के बाद से ये सीटें कांग्रेस के पास थी। साथ ही भाजपा ने गुजरात में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 27 सीटों में से 24 पर जीत हासिल की, जो पिछले चुनावों की तुलना में इस बार 12 सीटों की वृद्धि है। आदिवासियों ने भी भारी संख्या में भाजपा को वोट दिया। 2017 के पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 99 और कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एनसीपी, बीटीपी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 1, 2 और 3 सीटें हासिल की थी। खैर, गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, पर 2024 में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।